दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंगद कुमार जी के जीएस में। मैं अंगद कुमार। दोस्तों आज हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2021 का जो फिजिकल चल रहा है वो। दोस्तों लगभग वायर का देखिए फिजिकल कंप्लीट हो गया है, गर्ल्स का फिजिकल चल रहा है, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितने बच्चे अभी तक पास हुए हैं, साथ में दोस्तों तो मेडिकल की डेट कब तक आ सकती है और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, इन्हीं सब पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो बार बार पूछते रहते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, मेडिकल कब से होगा। इसी से रिलेटेड मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए जो कि सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल। मैं कुछ डाटा इकट्ठा किया हूँ दोस्तों, आप यहाँ देखिएगा। सबसे पहले अगर दोस्तों एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के आ रहा है एसएससी जीडी का कि मेडिकल कब होगा, ये बड़ा क्वेश्चन दोस्तों मैक्सिमम बच्चों ने हमसे डेली लगभग 2-4 बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेडिकल कब होगा। देखिए मेडिकल का कुछ सीन है, पीएसएससी जीडी के लिए इसका एग्जाम हुआ था और फिजिकल के शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हुए थे, वो टोटल जो बच्चे थे देखिए 285,201 बच्चे जो दोस्त थे वो आपके फिजिकल के शॉर्ट लिस्टेड थे। उसमें से जो मेल है, मेल कैंडिडेट है 253,544 मेल थे और 31,657 गर्ल्स। तो मेल का देखिए लगभग दोस्तों फिजिकल कंप्लीट हो गया है। एसएससी जीजी का जो फिजिकल के डेट आई थी वो देखिए वो हमारा चालू 18 मई से दोस्तों 9 जून तक फिजिकल कराने का आपका टाइम टेबल बनाया गया था, जिसमें से संडे ऑफ था। और दोस्तों जिससे बॉयज का लगभग फिजिकल 31 मई तक कंप्लीट हो गया है, 2 से 3 दिन अब फिजिकल जो चलने वाला है वो आपके फीमेल का चल रहा है, बाकी लगभग 6 से 7 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम बताया गया है। जैसे कहीं कहीं एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था या फिर कोई जैसे लीव ले लिया है, छुट्टी ले लिया है, तो उनका होगा। तो आप देखिए दोस्तों कि जो आपका रिजल्ट आया था वो लगभग 25 मार्च के आस 24 मार्च को 25 मार्च को आपका इसका रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2 महीने बाद मार्च अप्रैल मई लगभग 2 महीने से कम टाइम में भी आपका फिजिकल स्टार्ट कर दिया गया। और मैक्सिमम भर्ती में यही होता है दोस्तों एसएससी जीडी के लगभग कोई भी प्रोसेस लगभग 2 मंथ से लगते हैं, 2 मंथ में कोई भी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो फिजिकल का हो चाहे वो मेंटल। अब देख सकते हैं कि अगर आपका 9 जून को फिजिकल कम्प्लीट हो रहा है तो 1 महीना जो होता है वो आपका होता है 9 जुलाई, 9 जुलाई को आपको 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों 9 अगस्त को आपका 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जो मेडिकल देखिए है इस बार ज्यादा बच्चों का मेडिकल कराना नहीं है, पिछली बार था कि दो दो बार कट ऑफ लगी थी, फिर से कट ऑफ आई थी कब घटा के, इस बार भी कट ऑफ दोस्तों घटने के चांसेस कम है क्योंकि बच्चे लगभग पास हो चुके हैं और कट ऑफ घटती है तो 2-3 दिन में कट ऑफ आ जाएगा। अब देखिए आपका 9 अगस्त 2 महीना है, तो जो मेडिकल होने के दोस्तों पूरा पूरा चांस है वो आपके अगस्त से पहले ही आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं देखिए दोस्तों आपके डाटा के हिसाब से कह रहा हूँ कि जो भी चीजें हैं कि आपके जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में दोस्तों आपका क्या हो सकता है, मेडिकल आपका स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों एक प्रोसेस लगता है, जैसे आपने देखा फिजिकल हुआ है तो वहां पे फॉर्म भरे जा रहे थे हमारे, वो सारे फॉर्म दोस्तों हर सेंटर से इकट्ठा होके सीआरपीएफ नोडल जो ऑफिस होता है वहां पे फॉर्म जाता है, तो लगभग 1.5 से 2 महीने का आपका टाइम लग जाएगा। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगस्त महीने से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये रही आपके मेडिकल से रिलेटेड डेट, आप बार बार कंफ्यूजन मत होइएगा, आपकी अगस्त से पहले मेडिकल स्टार्ट नहीं होने वाला। दूसरा नाम उच्च कितने बच्चे कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं आपका ये देख लीजिए। आज हम केवल मेल की बात करेंगे क्योंकि फीमेल का फिजिकल भी चल रहा है, इस पे हम लोग आज बात नहीं करेंगे, आज कल हम मेल की बात करेंगे। तो मेल में दोस्तों जैसे बताया गया था आपको 253,544 बच्चों को बुलाया गया था, वहां पे अगर देखा जाए दोस्तों तो एन एवरेज लगभग 70 से 75% ही बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे। जैसे आपके इस बार बैच बनाया गया था, जो मेरा बैच बनाया गया था, 350 बच्चों को दोस्तों वो रिपोर्टिंग टाइम करा रहे थे। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम सेंटर में 230 से लेके 285 बच्चे हमारे अपसेट होते
प्रेजेंट होते थे, लगभग इतने बच्चे आपके हमेशा प्रेजेंट हुए हैं, 230 से लेके 250 बच्चे, लगभग 120 बच्चों के आसपास प्रेजेंट हुए। अगर डाटा निकाला जाता है तो 72-72%, लगभग 1,77,448 बच्चे दोस्तों ये हमारे फिजिकल के लिए प्रेजेंट थे। अब इसमें से कुछ बच्चों को हाइड में भी निकाल दिया गया था, कुछ फिजिकल नहीं क्वालिफाई गए, फिर भी दोस्तों इस बार का एवरेज काफी अच्छा था। तो आपके लगभग दोस्तों 60% बच्चे हमारे जो फिजिकल क्वालिफाई कर रहे थे, क्योंकि हमने अपने आप ही देखा था कि इस बार दोस्तों क्या, देखिए कंपटीशन में बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई भी भर्ती आ रही तो कोई बच्चा छोड़ना नहीं चाह रहा, तो जिसका भी एक नंबर दो नंबर कट ऑफ ज्यादा थी वो रनिंग स्टार्ट कर दिया था। मानते हैं कि आपके डेट पहले आ गई थी बिना बताए हुए, फिर भी जिस बच्चे को जिम्मेदारियां है और जिस बच्चे को जॉब लेनी है उसको पता है कि फिजिकल पास करने के बाद नौकरी सामने है, वो फिजिकल जरूर कर रहा था, इसलिए लगभग 60% लड़के दोस्तों फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। तो 1,06,000 के समथिंग बच्चे फिजिकल क्वालिफाई किए होंगे, ये डाटा आपका है इस हिसाब से निकला हुआ है। और दोस्तों मेडिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, जैसे आपको पता है जो वैकेंसी है बॉयज की वो लगभग 22,425 के आसपास दोस्तों वैकेंसी, इसका 3 गुना अगर हम देखेंगे लगभग 67,275 कैंडिडेट होते हैं, तो इतने बच्चों का मेडिकल कराया जाएगा बॉयज में, तो लगभग देखिए यहाँ पे 39,000 लगभग 40,000 के आसपास बच्चे दोस्तों क्या होंगे वो कटाप से बाहर होंगे। तो अब कटाप कितनी बढ़ेगी वो एक बार आप जनरली कटाप देख लीजिए, बाकी मैं लड़कों से रिव्यू लेके जितने भी उनका मार्क्स है सारे बच्चों से पूछ के एवरेज निकाल के आपको बताएंगे। मेरे हिसाब से ये कटाप मेरा खुद का मानना है दोस्तों कि कटाप कितनी जा सकती है थोड़ा ऊपर नीचे। ये देखिए दोस्तों कटाप हम केवल आपको भी मेडिकल के लिए बता रहे हैं कि मेडिकल में कटाप कितनी आगे बढ़ेगी, किनका किनका मेडिकल हो जाएगा, कभी किसी और दिन हम लोग फाइनल कटाप पे बात करेंगे कि फाइनल कटाप कितनी जंप कर सकती है। अभी देखिए दोस्तों 3 कैटेगरी होती है एसएससी जीडी में, हम केवल आज यूपी की बात करेंगे, अगर आप अदर स्टेट से भर्ती देख रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस स्टेट पे वीडियो बनाता हूँ। अभी देखिए इसमें 3 कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी आपकी जनरल कैटेगरी जनरल एरिया से थी, दूसरी कैटेगरी बॉर्डर एरिया से, तीसरी कैटेगरी जो थी नक्सल एरिया से दोस्तों थी। अब दोस्तों इन सब में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ती है आप याद रखिएगा वो आपकी नक्सल एरिया की कट ऑफ बढ़ती है, नक्सल एरिया की कटाप सबसे बढ़ती है, उसके बाद बॉर्डर की बढ़ती है, सबसे कम कटाप जनरल की बढ़ती है। इसका रीजन क्यों होता है, तो जो नक्सल की कटाप और बॉर्डर एरिया की कटाप होती है वो एन एवरेज सबसे कम लगी होती है। तो दोस्तों अगर आप एक सीरीज बना के देखेंगे तो 50 नंबर यहाँ पे है और 70 नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे बच्चे थोड़े से कम मिलते हैं, यहाँ पे बच्चे थोड़े से ज्यादा है। अगर यहाँ से 71 नंबर जाना हुआ तो बच्चे कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ से अगर 51 पे जाना हुआ तो इसके डबल बच्चे यहाँ पे मिलते हैं। तो इसलिए नक्सल की कटाप और बॉर्डर की कटाप जनरल की अपेक्षा अधिक जाती है। देखिए दोस्तों मेडिकल के लिए इस बार जो कटाप जंप करने वाली है, पिछली बार कटाप ओबीसी के 2 नंबर जंप की थी और जो जनरल कटाप थी वो पॉइंट में जंप की थी। इस बार में देखिए पेपर टफ था, कटाप नीचे लगी है। दोस्तों देखिए अगर यही कटाप आपकी 70 पे लगी होती तो पॉइंट में जंप करती, लेकिन कटाप एन एवरेज कम लगी है, इसका मतलब इस बार कटाप थोड़ी सी मेडिकल के लिए भी ज्यादा जंप कर रही है। तो आप जनरल एरिया से किसी भी कैटेगरी में है तो देखिए +1 से लेके +2 नंबर तक आपकी कटाप जंप कर सकती है फार मेडिकल। जिनका नंबर 2 से ज्यादा है वो मेडिकल में इस बार जनरल में आ सकते। अब तो जी दोस्तों पॉइंट में जंप करेगी तो पॉइंट में इस बार जंप नहीं करेगी, जब कटाप नीचे लगती है तो कटाप ज्यादा। वैसे बॉर्डर में जिनका 2 से 3 नंबर है दोस्तों उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। वैसे ही नक्सल में जिनका 4 से 5 नंबर है दोस्तों उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार इसकी कटाप दोस्तों 7-5 नंबर बढ़ी थी और फाइनल कटाप 10 से 15 नंबर बढ़ी थी नक्सल। तो आप समझ लीजिए कि 5 नंबर जिसके हैं नक्सल में वो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और 2 नंबर तक अगर आपके जनरल कैटेगरी में है तो आप मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। बाकी फाइनल मेरिट पे वीडियो दोस्तों आगे वीडियो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कितने नंबर हैं कमेंट में, उस हिसाब से हम आपको वीडियो बनाएंगे और एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बताएंगे क्या।
और दोस्तों रही अब आगे डॉक्यूमेंट्स, डीवी आपकी क्या होगी, डीवी कैसे होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कैसे होता है, इन सब पे आप पे टाइम टाइम से वीडियो मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।